गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3C का प्रश्न क्रमांक संख्या 10 कराने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख लेना। क्वेश्चन है आपके पास, देखो प्रश्न क्रमांक संख्या 10 है। AX प्लस BY इक्वल्स टू C और BX प्लस AY इक्वल्स टू 1 प्लस C। सबसे पहले देखो, हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो C इधर इक्वल के इधर के नंबर है, इसको इक्वल के इधर ले आओ। यहाँ C माइनस का है, इधर आ गया। C प्लस का है, इधर आ गया, माइनस का हो गया। ये देखो, ये पूरा नंबर इधर आ जाएगा, यानी ये इसको आप ब्रैकेट में रख दोगे 1 प्लस C को, तो ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, तो माइनस का साइन लगा के A प्लस C आ जाएगा। ये होता है देखो आपका फॉर्मूला, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब इस समीकरण में इसको आप नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो समीकरण 2। हम इस समीकरण में आप क्या करो, उसको A1 A2 की वैल्यू सबसे पहले आप खोजो। A1 ये है, देखो A1 की वैल्यू है A और A2 की वैल्यू है B। यहाँ पर देखो B1 की वैल्यू है, यहाँ देखो Y के साथ वैल्यू B है ना, तो ये हो गया B। अब आपके पास B2 की वैल्यू है A, ऐसे ही आप देख लो। यहाँ पर C1 की वैल्यू है, यहाँ पर देखो ये C और इसकी आपकी C2 की वैल्यू है माइनस 1 प्लस C। यहाँ आपके पास ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हमें इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, बच्चों देखो फॉर्मूला बहुत आसान है। x और y और 1, ये तीन हैं। अब x का अपॉन में देखो BC माइनस BC, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप देखो ये BC माइनस BC और 12 और यहाँ 21 लिख दो, फिर इक्वल का साइन लगा दो। y के नीचे CA माइनस CA, 12 21, फिर वही, फिर यहाँ देखो AB माइनस AB और 12 21। कितना आसान है बच्चों, बार बार याद करो, आसान आराम से याद हो जाएगा। सब वैल्यू रख दो। यहाँ देखो B1 की वैल्यू कितनी थी, आपने ऊपर देखा कि B1 की वैल्यू आपके पास B, फिर यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन। C2 की वैल्यू है आपके पास ये, साइन माइनस का। B2 की वैल्यू है देखो यहाँ A और C1 की वैल्यू है आपके पास, देखो C1 की वैल्यू है माइनस C। ऐसे ही आपने इधर भी वैल्यू रख दी, इधर भी वैल्यू रख दी। अब मैं इसको आपको हल करना बता रही हूँ। हल करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ आपने सबसे पहले क्या करा, देखो यहाँ पर ये साइन माइनस का था, इस साइन माइनस को अगर हम यहाँ साइन आगे कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस बी और ये पूरा नंबर 1 प्लस सी, और इधर देखो दो माइनस माइनस के साइन है ना, तो दो माइनस माइनस के साइन आपका प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का AC। फिर यहाँ पर वाई में देख लो, वाई में आपको क्या करना है, देखो यहाँ माइनस का एक नंबर था तो हम इसको माइनस बाहर कर दिया और हमने इसको दोनों को साथ में कर दिया तो BC हो गया। B बच्चों इसलिए रख दिया क्योंकि B पहले छोटा नंबर होता है, तो छोटा वर्ड है इसलिए पहले रख दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस है ना आपके पास, दो माइनस माइनस क्या होता है, सबसे पहले पहला ये माइनस ले लो। यहाँ पर हमने एक माइनस लिया तो देखो इस वाले माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया, अंदर कितना हो गया, प्लस था माइनस हो गया। एक माइनस से बच्चों, इस माइनस से अंदर का साइन आपका क्या हो गया, ये 1 माइनस सी हो गया, और पूरा हमने दो माइनस में से एक माइनस आपका खत्म हो गया। यहाँ देखो 2a था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ हो गया। अब इधर देखो, इसको नंबर को पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नंबर है, यानी माइनस बी से ए को वन को मल्टीप्लाई करा तो माइनस बी, और यहाँ देखो 1 सा हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया प्लस प्लस माइनस, यानी बी माइनस का BC, इधर AC पूरा का पूरा। अब यहाँ पर आप फिर देखो, अभी आपके पास दो माइनस ऊपर खत्म हुए थे, अब यहाँ एक माइनस बचा, फिर इससे यहाँ का साइन चेंज हो गया और क्या हो गया, ये आपका 1 प्लस सी हो गया। अब कितना नंबर हो गया, माइनस BC ब्रैकेट में 1 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय A। इधर इसको ऐसे ही एज इट इज उतार दो, पूरे का पूरा नीचे लिख दो। फिर यहाँ पर आप देखो कि आपके इसको आप पहले लिख सकते हो AC माइनस, देखो ये BC और माइनस B। यहाँ पर देखो ये हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का BC, वन सा माइनस का BC, माइनस BC को हमने C से, देखो अब इधर वाला नंबर देखो, A से हमने इसको ये माइनस BC पूरा लिख दिया, यहाँ A से हमने 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1 हो गया, यहाँ पर C से मल्टीप्लाई करा तो AC हो गया। इसको फिर ऐसे रख दो। अब आपके पास आपको x का मान मिल गया, x का मान यहाँ लिख दो पूरा पूरा x का मान, तो यहाँ पर देखो ये आपका 1 का मान हो गया। x के मान को आपने बाहर रख दिया तो ये आपका इसका मान AC माइनस BC माइनस B, ये ऊपर रख दिया, नीचे आपने क्या रख दिया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपके पास। अब आप इसमें अगर देखो
यहाँ पर आपके पास ये, आपके पास ये नंबर क्या मिल गया आपको कि एसी माइनस, इसमें आप देखो एक चीज आगे रख सकते हो क्या, इसको बीसी, क्योंकि आपके आंसर के हिसाब से जो बीसी है वो पहले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे देखो इसको ऐसे लिख दो एसी और ये बी को पहले ले आओ, और ये चाहे आप कैसे भी रख दो इससे कोई आपका नंबर में डिफरेंस नहीं होगा, फर्क नहीं होगा। अब यहाँ देखो वाई का मान हमने रख दिया, यहाँ वन का मान रख दिया, देखो वाई बाहर रख दिया, तो यहाँ देखो ये हमने ये अगर माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, तो दोनों माइनस थे तो आपके पास क्या साइन हो गया, देखो हमने यहाँ पर यहाँ भी प्लस था ना, तो वाई जब हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो गया, जो प्लस का नंबर था वो माइनस में हो गया, यानी बी सी माइनस ए और माइनस ए सी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे आपको बच्चों एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ऐसे ही मैं आगे के सारे क्वेश्चन आपको देती रहूँगी। बाय बच्चों।